हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज है करवा चौथ का त्यौहार और आज हमने स्वीटी जी के लिए कुछ गिफ्ट प्लान किया है जो कि हम खरीदने जाएंगे अभी। तो सबसे पहले हम अपने मित्रों के पास जाएंगे, उनको साथ लेके जाएंगे, उसके बाद में कोई गिफ्ट हम खरीदेंगे। तो फटाफट से चलते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों को लेकर के साथ हम निकल आए हैं मथुरा के फेमस मार्केट में। इस जगह का नाम है चौक बाजार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई अच्छी सी गिफ्ट की दुकान मिल जाए या फिर ज्वेलरी की दुकान मिल जाए, जो भी मिल जाए हम वो ले लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ खुल चुकी हैं। और अच्छी क्वालिटी में ख़रीदना है सामान तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो यहाँ से लेंगे, नहीं तो फिर एक दूसरा मार्केट है मथुरा का, वो भी काफ़ी फेमस मार्केट है कृष्णा नगर। वो थोड़ा महंगा मार्केट है लेकिन सामान वहाँ पर क्वालिटी का मिलता है और अच्छा मिलता है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो जाम लगा हुआ है अच्छा सा। तो यहाँ से हम बैग लेंगे और हम निकलेंगे कृष्णा नगर। तो हम कृष्णा नगर पहुँच चुके हैं और DS ज्वेलर्स ये हमें मिले हैं और सुना है कि यहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी का सामान मिलता है जो भी आप खरीदोगे। तो अंदर आने के बाद में हमें यहाँ पर पानी पिलाया गया है, स्वागत किया गया है। तो पीयूष भाई हैं ये हमारे और अभी आपने देखा था वो हमारे जितेंद्र भाई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम कुछ ज्वेलरी खरीदने वाले हैं यहाँ से, जो हमें पसंद आ जाए और जो हमारे बजट में फिट बैठे। तो हम यहाँ पर पीयूष भाई को पहना के देख रहे हैं और ये हमारे पीयूष भाई हैं और यहाँ देख सकते हैं इनका लुक लाइक एकदम मस्त लग रहा है इनका लुक। तो ये हमको पसंद आया है तो इसको हम पैक करा लेते हैं और ये हम ख़रीद लेते हैं। अब इसको ख़रीदने के बाद में हम आ गए हैं कृष्णा नगर के मेन चौराहे पर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है मोहन हलवाई की दुकान और ये कृष्णा नगर का मेन चौराहा है। और ये एक तरीके से समझ लो बीच में हम खड़े हैं कृष्णा नगर के बिल्कुल। यहाँ बहुत सारी शॉप शोरूम है, बहुत सारे, तो मस्त मार्केट है। तो ये हमारे प्यारे दोस्त हैं तो ये बोले पार्टी चाहिए तो समोसे से मान गए हैं ये लोग, अच्छे दोस्त हैं। तो यही हमारे पीछे फूल और गजरे बिक रहे हैं तो हमने खरीद लिए। तो दोस्तों फाइनली हम मार्केट से आ चुके हैं और अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं और ये हमारी गली है, थोड़ी देर में घर पहुँचने वाले हैं। तो घर पर रिएक्शन देखते हैं सब लोगों का कैसा होने वाला है। पैक होने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा जो गिफ्ट है वो दिख रहा है। बहुत ही घटिया पैकिंग की है ये मेरे दोस्त ने। तो अब देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होता है सब लोगों का। तो घर आ चुका हूँ मैं। लड्डू मम्मी को दे दो, चलो दे दो मम्मी को। खोल के देख लो, कह दो देखो, चलो आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, खोलते हैं, बैठो बुद्धा बैठो। तो अपन क्या लाए मम्मी? लड्डू प्रैंक ही है, प्रैंक ही करता हूँ मैं तो, और क्या। लविका तू भी मदद करवा मम्मी की। पर्स लाया हूँ सुंदर सा मम्मी के लिए। लड्डू पर्स लाया हूँ सुंदर सा मम्मी के लिए। ये क्या लिया है? उड़ गए और क्या? अरे वाह, गिफ्ट इसकी मम्मी के लिए आया और ये लिपट रही है मुझसे। तुझे भी चाहिए पापा? हैं? तुझे भी चाहिए? ऐसा ही चाहिए तुझे भी? हैं? हो तू बड़ी हो जाएगी जब लाऊंगा तेरे लिए, ठीक है? कैसा लगा? पूरे 11 ग्राम का है, 11.5 ग्राम का। लड्डू तुमको भी चाहिए ऐसा गिफ्ट? तुमने बाद में कह रहे हैं। तुमको भी चाहिए? तुम भी लोगी? तुम भी पहनोगी? कैसे पहनोगी बताओ मुझे, एक और लाऊं? सही में
भाई अब इसके लिए भी लाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐसा लग रहा है स्वीटी जी को देखिए, बढ़िया लग रहा है, इतनी खुशी। अच्छा लग रहा है, जाओ मम्मी के पास, जाओ जाओ पहना। भैया ये नहीं जा रही है मम्मी के पास, मम्मी पहना देगी तुझे, जा पहन लेना, जाओ नहीं पहनोगी पापा चाहिए तो। अच्छा लग रहा है भाई, पहन लेना तुम इसको, ठीक है। बहुत सुंदर है, खुशी का ठिकाना नहीं है भाई इनका तो। ये सोने की घूमने है, सब सोने का है टोटली, रस्सी को छोड़ के। हाँ वो सब सोने का नहीं, रस्सी में लग रहा है वो नहीं है सोने का, रस्सी में जो लग रहा है वो नहीं है सोने का। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, स्वीटी जी भी रेडी हो रही है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, मिलवा दूंगा आपको स्वीटी जी से। तो चांद निकलने का जो समय है मथुरा में 8:11 पे निकलेगा, लेकिन जो दिखाई देगा ना वो लगभग 9:15 के समथिंग दिखाई देगा, तभी ये लोग पूजा करेंगे। बाकी पूरी तैयारी हो चुकी है मेरा, आप लोग से देख सकते हैं, ये लोग है मेरा आज। और स्वीटी जी को आज मैंने गिफ्ट दिया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आज उनकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो खुश हैं। तो इस बार की करवा चौथ काफ़ी हैप्पी वाली होने वाली है हर बार की तरह, तो दिखाते हैं आपको और क्या क्या कर रहे हैं सब लोग घर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काजल स्वीटी जी को तैयार कर रही है, क्योंकि इनको तैयार करने के लिए एक कोई ना कोई होना चाहिए। तो मम्मी भी तैयार हो रही हैं, तो मम्मी नहीं कर रही हैं तो कायल पे कोई काम नहीं है, तो यही तैयार करती है हर बार अपनी भाभी को, तो ये तैयार कर रही है। और अब यहाँ देख सकते हैं कि स्वीटी जी तैयार हो गई हैं, और लगभग इन्हें तैयार होने में 1 घंटा लगा है। और लुक देखो इनका, अलग लग रहा है थोड़ा सा, मस्त लग रहा है ना। हाँ तो इनका लुक मस्त लग रहा है, और ये हमसे थैंक यू बोल रही हैं हार के लिए, तो वेलकम। और यहाँ देख सकते हैं आप, सब लोग मस्ती कर रहे हैं तैयार होने के बाद में, और चंदा मामा के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। स्वीटी जी हमको दिखा रही हैं अपना लुक, तो ये गजरा जो लगा रखा है स्वीटी जी ने, हम लेके आए थे इसको, हमारी तरफ से गिफ्ट है ये। और इधर देख सकते हैं कायल को भी तैयार कर ही दिया है, मम्मी बोल रही थी तू कैसे घूम रही है भिखारिन की तरह, तो मम्मी ने इसको भी तैयार करवा दिया है, ये तैयार हो गई है, ये जल्दी तैयार हो जाती है, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इधर ये सब लोग तैयार खड़े हैं, और लड्डू पापा को नहीं छोड़ रही है, मतलब अपने बाबा को नहीं छोड़ रही है। और यहाँ देखो सब लोग फ़ोटोशूट करा रहे हैं, फैमिली फ़ोटोशूट चल रहा है इधर, और सब लोग बैठ चुके हैं। और मैं अब ऊपर जा रहा हूँ छत पर चांद को देखने के लिए कि चांद निकला है या नहीं निकला है, तो फटाफट से चलते हैं। और ये स्वीटी जी बार बार हमें गुलाब का फूल दिखा रही हैं, जो कि हम ही लेके आए हैं इनके लिए, तो हमको ही दिखा रही हैं। और स्वीटी जी हमारे लिए कपड़े लेके आई थी, जो हमने पहन रखे हैं ना वो वाले कपड़े। और यहाँ पूरा अंधेरा हो रहा है भाई छत पे, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इधर की तरफ से चांद निकलता है लेकिन अभी बिल्कुल नहीं निकला है, दिखाई नहीं दे रहा है, हालाँकि टाइम हो चुका है चांद निकलने का फिर भी। तो फिर बाहर चलते हैं थोड़ा, तो यहाँ हम घर के बाहर गली में आ चुके हैं, और ये हमारी गली की फैमिली है, यानी कि हमारी गली में सब एक परिवार की तरह रहते हैं, तो कोई भी तो फंक्शन या त्यौहार होता है तो सब मिलके मनाते हैं उसको, सेलिब्रेट करते हैं। तो फ़ोटोशूट किया है पूरी गली का, और इधर हम अपनी छत पर आ गए हैं, और यहाँ पर भी चंदा मामा के निकलने का इंतज़ार है सब लोग भाई, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, और जो टाइम था वो पूरा हो चुका है, और चंदा मामा आ गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, पहले मम्मी करेंगी पूजा पापा जी की, उसके बाद में हमारा नंबर आया है, और यहाँ हमारी पूजा हो रही है, साल में 1 बार होती है पतिदेव की पूजा, बाकी पत्नी की पूजा पूरी साल होती है। तो यहाँ पर हम पूजा करवा लेते हैं अपनी, और अर्घ देने के बाद में फिर हम यहाँ पर खाना खाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अपना हो चुका है, आशीर्वाद भी दे दिया हमने स्वीटी जी को, और अब हम पानी पिला के इनका व्रत खुलवाते हैं। तो फटाफट से हम व्रत खुलवाते हैं और कुछ फोटोज लेते हैं बढ़िया बढ़िया से। तो फाइनली दोस्तों पूजा हो चुकी है, चांद निकल आया है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, मिलते हैं नए वीडियो में, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।